कल देवार आइलैंड और फाउंटेन स्ट्रीट से आने के बाद रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो गया, तो आज हम थोड़ा लेट ही निकले, अराउंड 11 बजे आज के अपने डेस्टिनेशन के लिए। और हम जा रहे हैं अरंबल बीच। और भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बड़ा पंगा हो गया। अब आप सोचोगे कैसे, चले दिखाता हूँ। 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी पुलिस ने रोक ली। टूअर बैड लक, हमारे भाई साहब ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस घर पे ही छोड़ाई थी, तो फिर क्या पड़ी इन पे, अच्छी वाली पड़ी। खुद ही सुन लीजिए। कितना लिया उसने? 1500 रुपया। तो आगे चलते चलते एक फ्री फंड वाली टिप ले लीजिए। गोवा में अगर बाइक से घूमना है तो लाइसेंस याद से कैरी कीजिए, क्योंकि होटल में पड़े पड़े वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। साथ रहेगा तो पैसे तो बचेंगे। फिर नजारों का आनंद लेते हुए हम लोग निकले आज के अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो था मैंड्रम बीच। सही है भाई, बीच के बाद मस्त गार्डन बना के रखा हुआ है। मैंड्रम बीच के नज़दीक पहुंचने के बाद गए हुए पैसों का गम भुलाने के लिए हम लोगों ने पिया कोकोनट वाटर और गन्ने का जूस। अभी हम जाएंगे मैंड्रम बीच की तरफ और वो काफ़ी सुंदर ऐसा दिख रहा है दूर से, चलो जाके देखते हैं। बीच के एंट्रेंस में ही आपको ये गार्डन देखने को मिलेगा। गार्डन काफ़ी सजाया हुआ है एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम ऐसा कोई बीच देख रहे हैं जहाँ पे पहले एंट्रेंस पे गार्डन है। और जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में देख रखे इसके पहले, उसके हिसाब से यहाँ पे एक ब्रिज पार करके हमें आगे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे आप लोग छोटे से पुल से जा सकते हो, वो लकड़ी से बाम्बू से बनाया हुआ है, बाम्बू है, नीचे प्लाईवुड है। ये बैक वाटर्स रहेगा मोस्टली क्या होगा, ये बैक वाटर्स ही होगा। और यहाँ से जाने का रास्ता, तो ये बीच की मांद्रे बीच पे आने के बाद आपको पहले तो ये शैक्स मिलेंगे जहाँ पे लोग आराम कर सकते हैं। मैंने जैसा सुना है यहाँ पे फॉरेनर क्राउड ज़्यादा आता है। आप अगर इधर उधर देखोगे तो यहाँ पर ऐसे प्रॉपर से शैक्स बने हुए हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा कम है। आई एम श्योर कि अगर आपको थोड़ा पीस पसंद है और अच्छी भी जगह चाहिए तो आप मांद्रे बीच आ सकते हो। यस, वी आर एट लामाज प्लेस और यहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसा फैंसी करके रखा हुआ है, आई लव मैड्रिम। अभी बीच पे बैठे हैं, थोड़ा आराम फरमा रहे। ये बीच पे काफ़ी सेलर्स हैं ऐसे जो बालों की ब्रेडिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस जैसी चीज़ें बेचते हैं, तो आपको कुछ लेना है तो बड़ी वाली बार्गेनिंग की प्रैक्टिस करके आइएगा। पानी काफ़ी क्लीन लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, शैक्स मस्त लगी हुई है यहाँ पे। तो मैंड्रम बीच वैसे तो बहुत अच्छा था, पर समय की पाबंदी देखते हुए हम लोग निकले आज के अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, अरंबोल बीच, जिसे रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। जी हाँ, यहाँ पे फॉरेनर क्राउड में से रशियन लोग ज़्यादा रहते हैं। वेलकम टू अरंबोल, हम लोग आ गए हैं अरंबोल में। ये सब प्रॉपर एंट्री बना के रखा हुआ है।
वेलकम टू अरंबोल। यस इट इज। अरंबोल बीच पे आने के बाद हम लोगों ने कुछ चेक्स किए, उसका 100% के हिसाब से चार्जेस लग रहे हैं। अब हमें नहीं पता इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्योंकि इसके पहले जिस बीच पे गए थे वहाँ पे शेक्स के लिए कुछ भी प्राइस नहीं था। दोपहर का टाइम था, सूरज पूरा सर के ऊपर था, तो सोचा यही बीच वाले शेक्स पे बैठ के आज का लंच किया जाए, और फिर थोड़ा मौसम अच्छा होने के बाद, धूप कम होने के बाद हम गए पानी में। सो अभी टाइम कुछ हो रहा है 3:30 एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो इनटू वाटर। यहाँ पे पानी थोड़ा मस्त सा लग रहा है, लोग थोड़ा अंदर भी है पानी में, तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। दिस वाज गुड राइड। बस एक बड़ा सा आना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा ऐसे पीछे से। अंदर आ जाओ। नहीं अंदर जाएगा तो बड़ा अपने ऊपर आता है, बट after spending a lot of time on the beach, we wanted to go to Sweetwater Lake. So Sweetwater Lake बहुत नज़दीक है and रास्ते में ये पॉड बना हुआ है, तो दिस इज़ नाइस। लोग यहाँ पे आके क्रिएटिव वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, खाया पिया मज़ा किया, बस कुछ नहीं किया। अभी Sweetwater Lake इज़ ऑन दैट साइड, तो वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर भी डुबकियाँ लगाएँगे। सूर्यास्त हो रहा है और गोल्डन जो रेज होते हैं मॉर्निंग में होते हैं, उस टाइप के गोल्डन रेज अभी आना शुरू हो गए। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल राइट? आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटी थ्रू आउट। अरंबोल बीच से अपने फर्स्ट हिडन स्पॉट का रास्ता कुछ 10 मिनट का है, बट आई एम श्योर यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम। Sweetwater Lake की तरफ आने के वक्त यू विल गेट द मल्टीपल शॉप्स, वहाँ पर टैटू, रेडलॉक, बॉन्ग, ये सब चीज़ अवेलेबल है। दी मार्केट ऑफ गोवा, क्राफ्टेड शॉप्स, वाह भाई, बैग्स वगैरह यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। अभी किसी को कुछ पूछ नहीं रहे क्योंकि हमें सेट होने से पहले पहुँचना है। शाम हो रही है, ड्रोन उड़ाने का है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई। और ये सब होने के बाद आपको जो नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे। नको मिले मैं यहाँ तक, मैंने अभी तक के सबसे ज़्यादा शॉप्स देखी। आई थिंक बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यहाँ पे और वो सस्ते भी है। मैंने जो फिर पहना है वो भी मैंने इधर से ही लिया। तो ये मार्केट ख़त्म होते बहुत टाइम हो रहा है, मैं कब से चल ही रहा हूँ कोस्टल साइड में, मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पे आर्ट एंड आर्ट्स रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको। कैन यू सी दैट ग्राफिटी? तो ऐसे ये छोटी छोटी गलियाँ हैं। जैसे ही इन गलियों से जाने वाला रास्ता ख़त्म हुआ, एक पूरा रॉकी सीशोर आया। वैसे ये है काफ़ी खूबसूरत पर थोड़ा रिस्की भी है, तो संभल के ही चलिएगा, यहाँ पे गिरने की संभावना काफ़ी है। खैर अंधेरा होने से पहले मैं पहुँचता हूँ Sweetwater Lake पे, तब तक आप इन ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे Sweetwater Lake हम लोग भी जाएंगे, डुबकी मारेंगे ना। बहुत दिनों बाद मीठे पानी में अच्छा लग रहा है। वैसे Sweetwater Lake के उस पर एक छोटा हिल है और कहते हैं बनियन ट्री देखना है तो इधर ही जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे डुबकियाँ लगाते लगाते काफ़ी अंधेरा हो गया,
तो वी डिसाइडेड टू गो बैक। वापस जाते वक्त गलियों में जो सारे कैफेज थे वो शुरू हो गए थे और इनमें से एक में ये फिरंगी भाई साहब कह ढा रहे थे, आप भी देख लो सुन लो। फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते गया, अरम्बुल बीच पूरे एक रोमांटिक कैंडल लाइट वाले नज़ारों में तब्दील हो गया और फाइनली हमने इनमें से एक होटल में खाना खा के फिर चल दिए अपने स्टे की ओर। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक देन डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड जिनके साथ आप गोवा ट्रिप प्लान करना चाहोगे। एंड यस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं इस गोवा सीरीज़ के अंदर लाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।